हेलो स्टूडेंट्स दिस इज माय लेक्चर नंबर फोर ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग वन वाज चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड अनदर वन वाज चार्जिंग बाय रबिंग सो वी विल स्टार्ट अवर टू लेक्चर विद द टॉपिक हाउ इंडक्शन प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम रबिंग इंडक्शन प्रोसेस और रबिंग में पहला बेसिक डिफरेंस ये है कि इंडक्शन प्रोसेस में देर इज नो फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन टू बॉडीज बट रबिंग प्रोसेस में देर इज़ अ फिज़िकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज़ इन दोनों प्रोसेस में एक और डिफरेंस ये है कि रबिंग प्रोसेस में एक बॉडी अपने चार्जेस लूज करती है और वो चार्जेस ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाते हैं दूसरी बॉडी में जाते हैं बट इंडक्शन प्रोसेस में सिंस देर इज़ नो फिज़िकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज़ तो इस तरह का चार्ज ट्रांसफ़र बॉडीज के बीच में नहीं होता है तो आप ये डिफरेंस इस फिगर की हेल्प से समझ सकते हैं इन द फर्स्ट फिगर यू कैन सी दैट दिस रॉड इज़ चार्जिंग दिस बॉडी विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट और इस फिगर में आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में रबिंग हो रही है या फिजिकल टच हो रहा है और उसके बाद क्या हो पा रहा है बॉडी चार्ज हो पा रहा है हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज के बारे में हम लेक्चर वन से पढ़ते आ रहे हैं तो आज हम उस चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और अगर कोई भी क्वांटिटी स्केलर होती है तो उसको नॉर्मल रियल नंबर्स की तरह हम ऐड कर सकते हैं तो अगर किसी बॉडी के पास क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री डॉट डॉट क्यू एन चार्जेस हैं तो टोटल चार्ज उस सिस्टम का क्या हो जाएगा आप उन चार्जेस का नॉर्मल एडिशन कर देंगे बट एज यू नो देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो अगर आपकी बॉडी uh, uh, में इस तरीके के चार्जेस हैं मतलब कुछ चार्जेस पॉजिटिव हैं और कुछ चार्जेस नेगेटिव हैं तो उनका सम भी आप रियल नंबर्स की तरह करके टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है चार्ज इज़ कंजर्व्ड इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है दैट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसका मतलब ये है कि हमारे यूनिवर्स में जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व है चार्ज का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र तो हो सकता है बट चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज चार्ज जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है तो एक्चुअल में ट्रांसफ़र क्या हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या तो वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा या टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे या थ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे या फोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे आप कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ 2.6 पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ यानी कि ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई क्या होता है ई e वो चार्ज होता है जो एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है तो ट्रांसफर कौन हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ठीक है और इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है ई e. तो अगर किसी बॉडी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टेन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं तो उस बॉडी के पास कितना चार्ज गया है क्यू इज़ इक्वल टू टेन इंटू ई ई कितना चार्ज गया है उसका एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्यू इज़ इक्वल टू टेन इंटू ई ई सो दिस इज वॉट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दैट चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है ईदर वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन देयर वुड बी नो डेमल वैल्यूज आफ्टर वन टू थ्री फोर लाइक वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट फाइव ठीक है सो so, uh, ये आपकी तीन बेसिक प्रॉपर्टी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी वॉज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस अनदर वन वॉज चार्जेस कंजर्व एंड थर्ड वन वॉज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसके बाद इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात की जाए तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं माइनस ई से और प्रोटॉन हमारा कैसा पार्टिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो उसका चार्ज कैसे डिनोट किया जाता है प्लस ई e से तो ये जो फैक्ट है दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इस फैक्ट को क्या बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने वाला चार्ज अगर क्यू चार्ज है तो वो किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा हमेशा इल, इलेक्ट्रॉन चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा ठीक है तो अगर आ, 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 देर इज़ ट्रांसफर ऑफ हंड्रेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू तो दी अनादर बॉडी तो लगभग कितना टोटल चार्ज पहुंचा उस बॉडी में क्यू इज़ इक्वल टू हंड्रेड ई सो दिस इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ़ चार्ज अब आपको ये uh, पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है हमें ये पता है अगर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो उसका एडिशन भी नॉर्मल स्केलर्स की तरह होगा इसके बाद uh, हम बढ़ते हैं ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज की तरफ तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है कुलों और इसको किससे डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से अब हम जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बात कर रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है स्मॉल ई और इस स्मॉल ई की वैल्यू होती है 1.602192 पॉइंट सिक्स ज़ीरो टू वन नाइन टू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन कुलॉम तो अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है तो फ्रॉम द फॉर्मूला क्यू इज़ इक्वल टू एनी एन की वैल्यू आप क्या रखेंगे वन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वन इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन इज टू पावर माइनस नाइन कुलॉम तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है इस चार्ज अमाउंट के बराबर नेक्स्ट आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है कुलॉम्स लॉ कुल्स लॉ क्या बताता है फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सबसे पहले हम कुलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं कुलॉम्स लॉ क्या बताता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना चाहिए कि कुलॉम्स लॉ बताता क्या है दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फ़ोर्स के बारे में कौन सा लॉ बताता है कुलॉम्स लॉ अगर आपको क्लास इलेवेंथ के बारे में मैं बताऊं तो आपने क्लास इलेवेंथ में दो मासिस के बीच में एक फोर्स पढ़ा था या उस फोर्स को जिस फॉर्मूले की हेल्प से बताया जाता था तो वो कौन सा लॉ था ग्रेविटेशनल लॉ और उस फोर्स को क्या बोला जाता था ग्रेविटेशन फोर्स ठीक है तो उधर आपको दो मासेस के बीच में फोर्स की कैलकुलेशन की जाती थी यहाँ पर किसकी कैलकुलेशन की जाएगी दो चार्जेस के बीच में तो ये आपके कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट है इसके बाद ये जो फोर्स एक्ट करता है इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस तो अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, टू देर आर टू चार्जेस क्यू और क्यू टू और उनके बीच में सेपरेशन कितना है स्मॉल आर तो गोलॉर्म्स लॉ लौ का स्टेटमेंट क्या है पहला अगर देखा जाए फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रपोर्शनल एज यू कैन सी दैट दिस फोर्स इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू वॉट टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एज यू कैन सी इन द फिगर दैट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज अ स्मॉल आर तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका क्या है एफ इज प्रपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर दूसरा स्टेटमेंट ये होता है दैट दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस तो क्यू वन और क्यू टू के प्रोडक्ट के बराबर होता है ये फोर्स सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कुलम्स फोर्स यहाँ पर दो चार्जेस लिए हैं इनके बीच में सेपरेशन स्मॉल आर है चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है क्यू वन और क्यू टू और इनके बीच में लगने वाला कूलॉम फोर्स क्या होगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर क्यू क्या होता है क्यू इज़ नथिंग बट द प्रपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के की वैल्यू अगर देखी जाए तो के की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सैलन नॉट आपको याद रखनी है ये वैल्यू के की क्या वैल्यू पुट की जाएगी वन अपॉन फोर पाई एप्सैलन नॉट यहाँ पर एक नए टर्म का इंट्रोडक्शन हुआ है दैट इज एप्सैल नॉट एप्सैलन नॉट आपको याद रखना है क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अभी आगे हम परमिटिविटी को भी डिफाइन करेंगे बट अभी के लिए आप इतना याद रखिए एफसेलन नॉट को क्या बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती, हो, होती है और वो वैल्यू होती है एट पॉइंट एट फाइव फोर इंटू टेन इस टू पावर माइनस ट्वेल्व कुलॉम स्क्वायर न्यूटर इनवर्स मीटर माइनस टू तो कुलॉम लोग हम फाइनली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एफ इज इक्वल टू अब आप के की वैल्यू रख देंगे के की वैल्यू हमने क्या रखी वन ऑफ फोर बाई एफ्सेलन नॉट Q1 Q2 divided by डिवाइडेड square so स्क्वायर सो दिस इज द फाइनल the फॉर द कुलॉम्स लॉ तो दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स निकालना है तो आप उसके लिए किस आ, उस आ, फोर्स को आप किस फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे कुलॉम्स लॉ फॉर्मूला. नेक्स्ट आता है हमारा कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कुलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एज यू नो दैट फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी फोर्स क्या होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो अगर आपको उस फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है तो आपको क्या पता होना चाहिए उसका डायरेक्शन भी इसको डिस्कस करने के लिए देखिए आप इस फिगर में वी हैव टेकन टू चार्जेस Q1 वन एंड क्यू और यहाँ पर लिखा हुआ है Q1 वन एंड क्यू टू इज ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि Q1 और Q2 कैसे चार्जेस हैं पॉजिटिव चार्जेस हैं ठीक है इसके अलावा हम एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं आर टू वन कैप इस यूनिट यूनिट वेक्टर के बारे में आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इस यूनिव uh, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमने क्या ली है फ्रॉम क्यू वन टू क्यू टू अब देखिए यहाँ पर दो चार्जेस हैं q1 और q2 और आपको पता है कि दोनों सेम चार्जेस के बीच में क्या होता है रिपल्शन होता है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि q2 चार्ज कैसा फोर्स फील कर रहा है ऑब्वियसली इट विल फील रिपल्सिव फोर्स तो q2 जो फोर्स फील करेगा किसकी वजह से फील करेगा वो q1 की वजह से तो वो फोर्स क्या होगा एफ टू वन को हम कैसे रीड करेंगे फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज वन और इस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से कहाँ डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्स फील करेगा तो एफ टू वन की डायरेक्शन हमने किधर डि डिफाइन कर दी इस एरों से इस तरफ ठीक है तो ये क्या फोर्स है एफ टू वन फोर्स तो सबसे पहले हम लिखेंगे एफ टू वन की वैल्यू गुलॉम लॉ फॉर्मूला से आपको पता है कि मैग्नीट्यूड किसी फोर्स का क्या होता है वन अपॉन फोर पाई एफ एन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू वन स्क्वायर इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है आर टू वन आर टू वन कैप एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर को मैंने आपको पहले ही बताया है कि कैसे डिफाइन किया जाता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा आर टू वन ठीक है तो ये हो गया आपका कुलॉम्स लॉ की हेल्प से फोर्स का मैग्नीट्यूड अब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है तो उसके साथ क्या लिखा जाता है उसका डायरेक्शन एज यू कैन सी दैट क्यू टू चार्ज इज फीलिंग फोर्स और फेसिंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन ठीक है तो इस डायरेक्शन को मैंने इस फिगर में किसकी हेल्प से डिफाइन किया गया है आर टू वन कैप ठीक है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आर टू वन कैप फिर इसके नीचे आप क्या लिख देंगे वेयर आर टू वन इज अ यूनिट वैक्टर और यूनिट वैक्टर की डेफिनेशन आप लिख दीजिए वैक्टर आर टू वन डिवाइडेड बाय आर टू वन और आर टू वन की डायरेक्शन मैंने कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रखी है क्यू वन टू क्यू टू अब आपने किस आ, किस पर फोर्स कैलकुलेट कर लिया क्यू टू चार्ज पर अब आप देखिए क्यू वन चार्ज किस तरीके का फोर्स फील कर रहा है Q1 भी रिपल्सिव फोर्स फील करेगा और Q1 इस Q2 चार्ज की वजह से अब किस डायरेक्शन में जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये जो फोर्स फील करेगा उसको हम क्या बोलेंगे वेक्टर F12 F12 को हम कैसे रीड करेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 वन ड्यू टू चार्ज क्यू तो ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी इस डायरेक्शन में तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे F12 की वैल्यू रखेंगे तो एफ की वैल्यू सॉरी हाँ एफ वन टू की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी वन अपॉन फोर पाई एफ सेलर नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर वन टू स्क्वायर ये क्या है मैग्नीट्यूड आप फोर्स किस पर निकाल रहे हैं Q1 चार्ज पर किस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं Q2 चार्ज की वजह से ये Q1 चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स फील कर रहा है इस डायरेक्शन में ठीक है तो इस डायरेक्शन को अगर हम रीड करेंगे तो हम क्या बोलेंगे आर वन टू कैब क्या बोलेंगे इस डायरेक्शन को हम आर वन टू कैप आर टू वन कैब आपने किस डायरेक्शन में डिफाइन किया है फ्रॉम क्यू वन टू क्यू टू बट फोर्स मेरा किस डायरेक्शन में लग रहा है अपोजिट टू द आर टू वन कैब तो इसका अपोजिट क्या होगा आर वन टू तो इसको आप किसके हेल्प से लिखेंगे आर वन टू और आर वन टू कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आर वन टू स्क्वायर एक बार इसको फिर से देख लीजिए हम दो चार्जेस लेते हैं दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं सबसे पहले हम निकालेंगे चार फोर्स ऑन चार्ज Q2 टू टू चार्ज Q1 जिसको हम क्या बोलेंगे F21 Q2 विल फील फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन और उसका ये हमने लिखा फॉर्मूला दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और ये क्या है उस फोर्स का डायरेक्शन डायरेक्शन एक हमने पहले से ही अपने फिगर में डिफाइन कर रखा है आर टू वन कैप और हमारी डिफाइंड डायरेक्शन की ही डायरेक्शन में क्यू टू फोर्स फील कर रहा है तो उसको हमने एज इट इज लिख दिया ठीक है नेक्स्ट हम किस पर निकालेंगे फोर्स क्यू वन पर अब क्यू वन किस डायरेक्शन में फोर्स फोर्स फील कर रहा है अपोजिट टू आवर डिफाइंड डायरेक्शन हमारी डिफाइंड डायरेक्शन क्या है फ्रॉम द फ्रॉम क्यू वन टू क्यू टू ठीक है बट क्यू वन जो फोर्स फील कर रहा है वो डिफाइंड डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील कर रहा है ठीक है तो एफ वन टू की डायरेक्शन आप किस कै, कैसे शो करेंगे इसका जो अपोजिट बनेगा आर टू वन का अपोजिट क्या बनेगा आर वन टू कैप तो आप फॉर्मूले में लिख देंगे एफ वन टू इज इक्वल टू मैग्निट्यूड ऑफ द फोर्स एंड देन आर वन टू कैप तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलॉम्स लॉ पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस वेक्टर फॉर्म जैसा कि आपने इस फिगर में देखा था कि इफ़ यू कैलकुलेट एफ़ टू वन तो डायरेक्शन क्या थी एफ़ टू वन की आर टू वन कैप बट इफ़ यू कैलकुलेट एफ वन टू तो दैन द डायरेक्शन ऑफ एफ वन टू वॉज़ अपोजिट टू तु आर टू वन आर टू वन का अगर अपोजिट लिखा जाएगा तो उसे कैसे लिखा जाएगा आर वन टू और आर वन टू किसके अपोजिट है आर टू वन के तो हम आर वन टू को किस तरीके से लिख सकते हैं आर वन टू इज़ इक्वल टू माइनस आर टू वन ये वैल्यूज़ अगर आप इन फोर्स के फॉर्मूलाज़ में रखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि हमें क्या मिलता है एफ वन टू इज इक्वल टू माइनस एफ टू वन कैप इसका मतलब ये है कि अगर Q1 चार्ज अगर Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर फोर्स लगा रहा है और वो सोर्स है F21 ठीक है तो उतना ही चार्ज Q2 टू फोर्स क्यू पर लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में फिर से सुनिए इसे इफ Q1 वन चार्ज इज अप्लाइंग फोर्स ऑन Q2 टू चार्ज इन दिस डायरेक्शन देन द Q2 टू चार्ज विल ऑल्सो अप्लाई फोर्स ऑन Q1 वन चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन ये स्टेटमेंट किसका था हमारा दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ था ये हमारा ठीक है तो इस स्टेटमेंट से हम क्या प्रूव करते हैं या हमें क्या मिलता है कि कुलॉम्स लॉ एग्रीज विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ कुलॉम्स लॉ किससे एग्री करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ से वेक्टर फॉर्म का दूसरा स्टेटमेंट हमारा ये है सॉरी दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि कुलॉमियन फोर्स जो एक्ट करता है इट ऑलवेज एक्ट अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस इसका क्या मतलब है जैसे कि आपके दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। इनके बीच में आपको फोर्स कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि ये फोर्स इन दोनों के बीच में जो एक लाइन एक ड्रॉ होती है इसी के अलोंग एक्ट करता है या तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी या फोर्स की डायरेक्शन ये होगी ठीक है दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा उनके बीच की जो लाइन ड्रॉ की गई है उसके अलोंग ही होता है और इस तरह के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं सेंट्रल फोर्स तो कुलॉम्स लॉ के बारे में वेक्टर फॉर्म से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं कि इट ऑलवेज एग्रीज विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ और सेकेंड चीज़ों में क्या पता चलती है कि कुलॉम लॉ किस तरीके का फोर्स है सेंट्रल फोर्स है इसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो कुलॉम मैग्नीट्यूड फॉमूला में के होता है उसकी वैल्यू होती है वन ओपॉइन फोर पाई एप्साला नॉट और एप्सैलन नॉट एक नया टर्म डिफाइन किया था जिसको मैंने बोला था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे परमिटिविटी परमिटिविटी की डेफिनेशन है इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिटुएटेड इन दैट मीडियम देखिए जैसे कि दो चार्जेस आपको Q1 और Q2 दिए जाएंगे और उनके बीच का मीडियम कभी फ्री स्पेस भी हो सकता है वैक्यूम हो सकता है कभी उन दो चार्जेस के बीच में मीडियम वाटर भी हो सकता है कभी वो दो चार्जेस ग्लास मीडियम में भी रखे जा सकते हैं तो हर एक मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है परमिटिविटी क्या होती है परमेटिविटी ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है और इस प्रॉपर्टी से ये डिसाइड किया जाता है कि दो चार्जेस में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दो चार्जेस को वैक्यूम में रखेंगे तो वैक्यूम की परमिटिविटी कम होगी ठीक है तो वैक्यूम में उन दोनों चार्जेस के बीच में ज़्यादा फोर्स लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप उन चार्जेस को वाटर में रखेंगे ठीक है क्योंकि वाटर की परमिटिविटी ज़्यादा होती है तो उधर जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा वो कम लगेगा ठीक है तो आपको इससे ये याद रखना है कि लेसर द परमिटिविटी ग्रेटर द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस और वैक्यूम में क्या होता है कि परमिटिविटी कम होती है तो फोर्सेज सबसे ज़्यादा होता है वैक्यूम की जगह अगर आपने वाटर ले लिया है ग्लास ले लिया तो उसकी परमिटिविटी किससे ज़्यादा होती है वैक्यूम से ज़्यादा होती है तो फोर्स कम लगेगा चार्जेस के बीच में परमिटिविटी जो आपको फॉर्मूला डिफ़ाइन किया गया था कुलॉम्स लॉ उसमें मैंने डिफाइन किया था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको हम किस साइन से डिनोट करते हैं एप्साइल नॉट से बट अगर फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम है तो उसमें अगर आप परमिटिविटी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एप्साइलिन वहाँ पर आपकी परमिटिविटी क्या लिखी जाएगी एप्साइलिन तो परमिटिविटी आपको फर्स्ट इसकी एक, एक चीज़ याद रखनी है कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम दूसरी चीज़ ये कि अगर आप फ्री स्पेस में कुलॉम्स लॉ लिख रहे हैं तो एप्सैलन नॉट यूज करेंगे फॉर दी पमेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बट अगर आप वही कुलॉम्स लॉ किसी मीडियम में लिख रहे हैं तो आप एप्सालन नॉट की जगह क्या यूज करेंगे एप्सालन नेक्स्ट हम एक टर्म डिफाइन करते हैं विच इज रिलेटिव पमेटिविटी रिलेटिव पमेटिविटी क्या होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ द पमेटिविटी ऑफ द मीडियम टू द पमेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एज यू नो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज डिनोटेड बाय एप्सालन और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वी कैन डिनोटेड बाय एप्सैल नॉट तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको क्या बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम होता है जिसे बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आगे आने वाले हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में हम डाई के बारे में पढ़ेंगे बट अभी आपको बस इतना याद रखना है कि रिलेटिविटी का रिलेटिव uh, परमिटिविटी का एक और नाम होता है विच इज़ कॉल्ड एज डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो रिलेटिव परमिटिविटी के लिए साइन क्या यूज़ करते हैं एप्सैलन आर इसको क्या बोला जाता है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे शो करते हैं हम के दे बोथ आर सेम थिंग्स और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दैट इज एप्सैल डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस that इज epsilon नॉट इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस लेक्चर का फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस जब हमने कुलॉम्स लॉ डिफाइन किया था तो हमने क्या लिया था सिर्फ दो चार्जेस लिए थे और उनके बीच में कुलॉम्स लॉ डिफाइन किया था उसके बाद कुलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ा था बट अगर किसी सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस आर मोर देन टू ठीक है तो तब उनको क्या बोला जाएगा पहले तो हम बोलेंगे देर आर मल्टीपल चार्जेस इन द सिस्टम और उन सारे चार्जेस के बीच में जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप एक फ़िगर देख पा रहे हैं इस फिगर में सबसे पहले ओ हमारा ओरिजिन है और हमने कितने चार्जेस लिए हैं यहाँ पर तीन चार्जेस नंबर वन चार्जेस क्यू वन नंबर टू चार्जेस क्यू टू नंबर थ्री चार्जेस क्यू थ्री इनकी डिस्टेंस q1 चार्ज की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है r1 वेक्टर, q2 चार्ज की ओरिजिन से डिस्टेंस है r2 वेक्टर, और सॉरी q2 चार्ज की और यस q2 चार्ज की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है r2 वेक्टर, q3 चार्ज की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है r3 वेक्टर। तो अब हमें क्या निकालना है कि इन तीनों चार्जेस के बीच में फोर्स की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं सबसे पहले हम क्या निकालेंगे फोर्स ऑन चार्ज q1 वन ड्यू टू दीज टू चार्जेस Q1 वन चार्ज पर q2 कितना फोर्स लगा रहा है और q2, q3 कितना फोर्स लगा रहा है सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे इस कैलकुलेशन को समझने के लिए वी आर गोइंग टू डिफाइन वन प्रिंसिपल एंड दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इसका हम सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं स्टेटमेंट इज फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेक इन वन एट अ टाइम द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस एंड दिस प्रिंसिपल इज़ टर्म्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन इस प्रिंसिपल को अगर हम फिगर की हेल्प से समझें तो यहाँ पर फिर से आ जाइए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप क्यू वन चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो बाकी अदर चार्जिस की वजह से वन बाई वन फोर्स कैलकुलेट करते जाइए जैसे कि इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग द चार्जेस सॉरी द फोर्स बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू देन फॉरगेट अबाउट द चार्ज क्यू थ्री इफ यू आर कैलकुलेटिंग द फोर्स बिटवीन क्यू वन एंड क्यू थ्री दैन फॉरगेट अबाउट द क्यू टू क्यू वन पर क्या कैलकुलेट करना है हमें फोर्स ड्यू टू चार्ज क्यू टू एंड क्यू थ्री सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एफ वन टू दैट इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री ये आपका एफ वन टू होगा या आपका एफ वन थ्री होगा और जैसे ही ये फॉर्मूला हम लिखेंगे तो उसके बाद हम इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम ले लेंगे ठीक है तो ये क्या होता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर आप एक सिस्टम ऑफ चार्जेस में चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आपको दो चार्जेस को सेपरेटली लेना है और बाकी जितने भी चार्जेस हैं सिस्टम में उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है ठीक है तो अगर तीन चार्जेस हैं तो पहले Q1 और Q2 के बीच में फोर्स कैलकुलेट करिए उसको लिख लीजिए फिर इसके बाद Q1 और Q3 के बीच में फोर्स कैलकुलेट करिए उसको लिख लीजिए और इन दोनों का वेक्टर सम ले लीजिए वेक्टर सम क्यों लेना है बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी अब फिगर में एक चीज़ देखिए F12 की डायरेक्शन क्या होगी ये वाली डायरेक्शन होगी बिकॉज Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं और Q1 कैसा फोर्स फील करेगा रिपल्सिव फोर्स तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा इसके अलावा Q1 और Q3 आ, Q3 दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो Q1 पर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं Q1 किस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिपल्शन अब एक डायरेक्शन फोर्स की ये है एक डायरेक्शन फोर्स की ये है क्लास इलेवेंथ में आपने लॉ ऑफ पैरलोग्राम पढ़ा था जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है इस वेक्टर के पैरल एक वेक्टर ड्रॉ करिए इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करिए और ये जो डायग्नल होता है ये आपका क्या बताएगा रिजल्टेंट ठीक है तो ये रहा हमारा फिगर का एक्सप्लेनेशन अब हम इसको मैथमेटिकली देख लें कि लॉ में लिखना कैसे है सबसे पहले अगर आप एफ वन टू लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द मैग्नीट्यूड फोर पाई नॉट क्यू वन क्यू टू डिड बाई आर वन टू स्कवायर आर वन टू कैप आर वन टू देख लेते हैं हम फिगर में क्या है ये आर वन टू हमने एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया है जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है फ्रॉम क्यू टू टू क्यू वन ठीक है तो क्यू वन पर लगने वाला फोर्स क्या है डायरेक्शन उसकी आर वन टू कैप और मैग्नीट्यूड क्या होगा इन दोनों चार्जेस के बीच का आर वन टू तो उसका स्क्वायर लिखा जाएगा तो ये आपका फर्स्ट वैल्यू हो गया फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू इसके अलावा अगर हम ड्यू टू चार्ज थ्री फोर्स निकालें तो एफ वन थ्री क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन फोर पाई एफ सेल एंड नॉट दोनों मैग्नीट्यूड क्यू वन इंटू क्यू थ्री डिवाइडेड बाई आर वन थ्री स्क्वायर आर वन थ्री कैप अब फिगर में देख लेते हैं एक बार कि आर वन थ्री क्या है आर वन थ्री आपका ये वाला यूनिट वेक्टर डिफाइन किया गया है ठीक है तो एफ वन थ्री की डायरेक्शन क्या है ये है आर वन थ्री भी इसी डायरेक्शन में मैंने डिफाइन किया है तो फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज 3 इज F13. This is दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थ्री एंड जो यूनिट वेक्टर आपने इन दोनों के बीच में डिफाइन किया है वो क्या है आर वन थ्री कैप इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आर वन थ्री तो हमने क्या किया एफ वन टू लिखा एफ वन थ्री लिखा ये दोनों फोर्सेज आ गए अब हमें क्या निकालना है इनका रिजल्टेंट ठीक है थीके? जो चार्ज वन इन दोनों की वजह से फोर्स फील कर रहा है अब हमें क्या निकालना है इनका रिजल्टेंट तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे द रिजल्टेंट विल बी दिस एफ वन इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ एफ वन टू प्लस एफ वन थ्री दोनों की आप वैल्यूज रख देंगे एंड दिस विल बी दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस ठीक है तो आज के हमारे इस लेक्चर में हमने कुलॉम्स लॉ पढ़ा चार्जेस सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा हमने पढ़ा कुलॉम्स लॉ पहले कुलॉम्स लॉ के स्टेटमेंट में क्या डिफाइन किया हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड और फिर उसके बाद हमने कुलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ा कुलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म डिफाइन करने के बाद हमने अपना कौन सा टॉपिक आज कवर किया है फोर्सेस ऑन मल्टीपल चार्जेस और जिसके लिए हमने क्या डिस्कस किया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो इसके आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं थैंक यू सो मच